कि क्या घटनाक्रम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है। कभी पोर्टल खोलने की बात करते हैं, कभी जेसीबी बड़ी बड़ी मशीनें लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी ये एलिगेशन लगाते हैं। आज इन्होंने के वहां का बॉर्डर खोल दिया, कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाते रहेंगे कि बॉर्डर खोलने जा रहे, ये करा जा रहा। हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहां कहां के बॉर्डर खोले गए, और संयुक्त मोर्चा तय करेगा। बॉर्डर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं, जिनकी फसलें नहीं कहीं बिखरी। अरे क्यों देश की जनता का बेवकूफ बना रहे, मतलब बातचीत नहीं करेंगे, लोगों पे एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़ के, और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो। वो टाइम आ गया, अब 11 महीने हो गए। आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए, हम आज सुबह से बोल रहे इन्हीं को देख रहे, देख कर क्या रहे, अपनी बॉर्डर पे भाई निगाह रखो, ज्यादा आने की अभी जरूरत नहीं। जब आएंगे संयुक्त मोर्चा अगर कहेगा हम ट्रैक्टरों के साथ में आएंगे, अपनी फसलें लेकर आएंगे और दिल्ली में बेचेगा। हम तो संयुक्त मोर्चे से ये कह रहे हैं कि कर लो फैसला, लेकिन जो भी संयुक्त मोर्चे का फैसला होगा हम उसको मान लेंगे। और हम आज ना वहां पे प्रदेश अध्यक्ष है, ना वहां पे आज हम रहेंगे, आज वहां पे बॉर्डर पे रहेगी जनता। अब देखेंगे आपको कौन छुटाएगा वहां पे। पहले बहुत करते थे कि जी हमें, हम आज है ही नहीं भाई, आज पूरा दिन नहीं रहे, आज रात को नहीं रहने, अगर कल दिन में नहीं रहेंगे, ये जनता रहेगी वहां पे। जो कहते थे ना जी है नहीं कोई, खाली हो गए जी, कोई खाली ना, तुम छेड़ खानी करोगे तो ये जनता गांव की तैयार बैठी है। अरे अपना संभालो भाई बॉर्डर को, इनको आने के हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में। ये छेड़खानी करते हैं, दिल्ली सरकार भी करती है, भारत सरकार भी, और ये उत्तर प्रदेश सरकार भी करे, दोनों छेड़खानी करें, अपने बॉर्डर को संभालो, वहां पे आते जाते रहो, अपना घर खेत का काम भी करते रहो, और जो मोर्चे हैं उस पर भी अपना ध्यान रखो। संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला देगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।